नमस्कार, हाजिर हम सीधी बात के कार्यक्रम में। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ एक नया शख्स है और ये शख्स भाईंदर में इस समय नगर सेवक पद पर आश्रित है और नगर सेवक होते हुए सभापति भी है। नाम है मदन उदित नारायण सिंह। हम बातचीत करेंगे इनसे इनकी राजनीतिक यात्रा पर। हम ये बातचीत ये भी करेंगे कि पद पाने के बाद में आखिर कितने ऐसे काम किए हैं जो जनता के बीच सार्थकता पूर्वक पहुंच चुके हैं और कौन से ऐसे काम नहीं किए हैं जो आज भी बाकी हैं, उसके लिए जनता आस लगाए बैठी है, और कौन से ऐसे काम है जो करना चाहते हैं। इन सारी बातों के साथ में इनके संघर्ष और इनके अब तक के सफर के बारे में हम सब आपको इस सीधी बात के कार्यक्रम में बुलाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए उनके राजनीति का छोटा सा क्लिप। इस क्लिप में आप समझ जाएंगे कि आखिर कहां से और किस तरह भाईंदर तक का सफर तय किया और आखिर कौन है मदन उदित नारायण सिंह। ये देखिए छोटा सा क्लिप। मदन उदित नारायण सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व जो नगर सेवक है और नगर सेवक के साथ में लगातार नगर सेवक रहते हुए इस समय सभापति भी है। उत्तर भारतीयों की आवाज समय समय पर उठाते हुए उत्तर भारतीयों के लोकप्रिय बने, लगातार सर्व समाज के इस कदर लोकप्रिय बने कि आज लगातार नगर सेवक के पद पर आश्रित है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए जिस प्रकार से संघ और संघ से भाजपा और भाजपा से जनता के बीच में प्रतिनिधि के रूप में व्यक्तित्व उभर कर आया है, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। मदन उदित नारायण सिंह अपने कार्यालय में जिस प्रकार से जनता के कार्यों का निस्तारण करते हैं और कार्यालय से बाहर निकलकर सड़क बिजली पानी के लिए काम करते हैं, जिस प्रकार से चौपाटी बनाने में अपना योगदान दिया भाईंदर में, और आज भाईंदर की चौपाटी देखने लायक है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मदन उदित नारायण पर एक बात तो कहनी बनती है कि लगातार जनता के बीच काम करना और जनता के दुख दर्द पर अपने आप को आगे रखना और उनके लिए काम करते करते यहाँ तक का सफर तय करना, ये वाकई में प्रशंसनीय। आइए हम बातचीत करते हैं सीधी बात के कार्यक्रम में मदन उदित नारायण सिंह से और जानते हैं कि आखिर क्या है उनका व्यक्तित्व। नमस्कार, हाजिर हम सीधी बात के कार्यक्रम में। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक राजनीतिक क्लिप देखा, नाम था मदन उदित नारायण सिंह, नगर सेवक है, सभापति भी है। हम बातचीत करते हैं उनसे उनके राजनीतिक यात्रा पर। लगभग आप समझ चुके होंगे कि मदन का सफर कैसा रहा इस क्लिप से जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा। आप सीधे उनसे मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं। जी मदन जी, आपको नमस्कार। मदन जी, होता क्या है कि राजनीति में उतरने वाले लोग अक्सर उनके अंदर महत्वाकांक्षाएं ज्यादा होती है और जनसेवा कहीं दूर। अब देखा गया है इस तरह उनके अंदर महत्वाकांक्षा होती है, कहीं उनको पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, मंच माला तालियां, और उसकी आड़ में कहीं ना कहीं उनको मिले पद, उसके बाद वो राजनीति में उतरने के लिए, यही सब उनका मन ही होता है। तो जब आप राजनीति में उतरे तो आपका मन यही सब कुछ था कि पद प्रतिष्ठा लोभ लालच भ्रष्टाचार करके हम राजनीति में आगे बढ़े, यही सब कुछ था या कुछ और? तो राजनीति में कब आए और क्यों आए? अब जैसे कहते हैं कि राजनीति, शुरू में राजनीति क्या होती है मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं जिस भाईंदर के आरएमपी पार्क परिसर में रहता था, वहाँ अपने उस समय जो लोग थोड़ा सा समाज में एक्टिव थे उनके साथ मिलकर के आसपास के लोगों को जो कुछ असुविधाएं होती थी उनको सुविधा प्रदान करना, उनके साथ उठना बैठना, यही क्रियाक्रम मेरा चालू था। इसी तरह से मैं लोगों के बीच में आया। राजनीति करना है या राजनीति में जाना है ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कभी। मतलब मन में सिर्फ जनसेवा उस समय थी और आप कर रहे थे। हाँ, लोगों के बीच में रहना, लोगों के सुख दुख को बांटना, जो हो सकता है करने की मैंने कोशिश किया और इसके आगे मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी कब और क्यों? इसके अलावा भारत में कई सारे दल हैं, आपके राज्य में क्षेत्रीय दल काफी सारे सक्रिय हैं, आखिर भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा दल क्यों लगा जिसमें रहकर आपको जनसेवा करने का मन बना? शुरू में तो मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। शुरू में जब मैं लोगों के बीच काम करने लगा तो संजोग कहिए या जो भी कहिए, उस समय जिन लोगों के बीच का मैं काम करता था वो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे और उनसे जुड़े थे तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया। लेकिन ये जो आप सवाल आप पूछ रहे हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहना चाहूँ तो जैसा आप भी देखते होंगे या आप भी समझते होंगे, भारतीय जनता पार्टी आज के माहौल में शुरू से लेकर के आजादी के बाद से कि राष्ट्र हित की बात अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, और खुले मन से, खुले विचार से और खुले दिमाग से करती है। इस राष्ट्र हित के बात के पीछे कोई छुपा या हिडन एजेंडा नहीं रहता है। यहाँ तो धर्म की राजनीति ज्यादा नजर आती है, हिंदुत्व के नाम पर वोट बैंक और उस पर राजनीति ज्यादा नजर आती है,
तो यहाँ पर तो आप वो राष्ट्रहित की बात, वो तो फिर तीसरे चौथे नंबर पर आती है। जब आप पहले हिंदुत्व की बात कर लीजिए, पहले धर्म की बात कर लीजिए, राम मंदिर की बातें कर लीजिए, वोट ले लीजिए, उसके बाद वो सब नजर आता है। तो क्या लगता नहीं यहाँ पर राजनीति सिर्फ वोट बैंक की, वो भी धर्म के नाम पर? राजनीति तो हम अपने घर में अपने लोगों के साथ कहीं घूमने फिरने जाते हैं या अपने दोस्तों के साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो उसमें भी लोगों को राजनीति लगती है। तो जिसके आंख में ही काला चश्मा चढ़ा हुआ हो तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप धर्म या हिंदुत्व की बात करते हैं तो आज हिंदुस्तान या भारत क्या है? हिंदुस्तान या भारत तो हिंदुत्व है, वहां पर रहने वाले लोग हिंदू है। तो अगर हम उनके लिए काम नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान के लिए जाके काम करेंगे? अगर इसको भी लोग राजनीति या वोट की राजनीति समझते हैं तो वह उनकी खामी है, उनकी कमी है, उनकी सोच है। तो उनकी सोच के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। दो बार से आप लगातार नगर सेवक, चार बार से लगातार आप नगर सेवक हैं। लगातार नगर सेवक रहते हुए 2002 से लेकर अब तक का सफर हम देख सकते हैं आपका रहा, तब से लेकर अब तक के काम, और इतने बार नगर सेवक रहते हुए हर वर्ष एक ऐतिहासिक काम ऐसा जिसकी वजह से आपको लगता है कि जनता का प्रेम लगातार आपसे बना हुआ है, उसका कारण बता दीजिए। और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो चार बार के नगर सेवक रहते हुए आपने ऐतिहासिक रूप से कराए? अब सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग मुझे जो चुन के देते हैं उसके पीछे ये कारण है कि सुबह से शाम तक या सुबह से फिर दूसरी सुबह तक 24 घंटे में मैं किसी भी समय लोगों के लिए हाजिर रहता हूँ। मेरे ऑफिस में आप देखते हैं कि दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू लेने के लिए आपने कहा कि दरवाजा बंद करिए, तो दरवाजा बंद हुआ है। मेरा दरवाजा कभी बंद नहीं रहता है। मेरे यहाँ एक छोटे बच्चे से लेकर के एक बूढ़ी औरत तक कोई भी कभी भी मेरे पास आ सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं, उनकी जो भी समस्या रहे वो मुझे बता सकते हैं और मैं उनको समाधान देता हूँ। मेरा जो ऑफिस आप देख रहे हैं पिछले 18 सालों से ऑफिस यहीं पर है। सुबह ऑफिस में कम से कम एक घंटा और शाम को कम से कम एक घंटा मेरी नित्य प्रक्रिया है। और उसके अलावा भी मुझे लगता है कि मेरे प्रभाग के हर घर के हर सदस्य के पास मेरा फोन नंबर है। कोई जब भी चाहे मेरे ऑफिस में आ सकता है, मेरे घर आ सकता है, या नहीं भी आए तो फोन पर बात कर सकता है और फोन पर ही उनको मैं समाधान भी दे देता हूँ। ये विजय होने का कारण बताया, काम कौन सा? काम जैसे आप भाईंदर ईस्ट में, भाईंदर में जब आएंगे तो भाईंदर ईस्ट में जैसल पार्क चौपाटी है। जैसल पार्क चौपाटी भाईंदर के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है कि जिसके सिवा आज भाईंदर अधूरा हो गया है। जो पहली बार हम लोग 2002 में हमारा ये पैनल चुन के आया, मैं था, साथ में रोहिदास पाटिल काका जी थे जो उस समय यहाँ थाने जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर उसके 2002 के पहले जैसल पार्क चौपाटी एक डंपिंग ग्राउंड, कूड़े करकट का ढेर होता था, पूरे भाईंदर का कूड़ा यहाँ आकर के इकट्ठा किया जाता था। तो 2002 से रोहिदास पाटिल जी के साथ में मिलकर के हम लोगों ने चौपाटी का निर्माण किया और आज चौपाटी एक ऐसी स्थान हो गई है कि मेरा भाईंदर क्या पूरे मुंबई में ऐसी चौपाटी कहीं नहीं मिलेगी, जहां सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक 200-500 लोगों की संख्या हमेशा रहती है। वहां पे स्वास्थ्य लाभ लोग लेते हैं, बुजुर्ग वहां बैठ के अपना टाइम पास करते हैं, लोगों का सुख दुख सुनते हैं। आज जैसल पार्क चौपाटी पर बड़े से बड़ा कार्यक्रम हो, गणपति विसर्जन हो, अभी 4 दिन पहले छठ पूजा का कार्यक्रम हुआ, कम से कम 50,000 लोगों की वहां उपस्थिति थी। जैसल पार्क चौपाटी पे गणपति, नवरात्र, छठ पूजा, द्वितीया, दशा माँ, सब जितने धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ होते हैं। ये चौपाटी का निर्माण एक हमारा एक महत्वपूर्ण काम है। इसके साथ ही भाईंदर ईस्ट से वेस्ट में आने के लिए यहाँ भाईंदर ईस्ट वालों को और भाईंदर वेस्ट वालों को अगर ईस्ट से वेस्ट आना हो तो उनको 8 से 10 किलोमीटर की परिक्रमा लगा करके आना पड़ता था फ्लाईओवर ब्रिज से। तो जो सबवे का निर्माण हुआ है, सबवे का निर्माण में मेरा अहम भूमिका रही है, उसके फंड से, उसके नगर पालिका के फंड पास कराने से और उसके पूरी करने की प्रक्रिया में सब जैसल पार्क सबवे जो है मेरे महत्वपूर्ण कामों में से है। इसके साथ ही अभी जो भाईंदर ईस्ट जो आरएमपी पार्क, राहुल पार्क, नौगर रोड परिसर है, यहाँ हिंदी भाषी ज्यादा संख्या में रहते हैं, लेकिन किसी म्युनिसिपल स्कूल का यहाँ
पास में प्रावधान नहीं था। म्युनिसिपल स्कूल है, काफी संख्या में है, लेकिन काफी दूर थे, एक एक किलोमीटर के अंतर पर थे। तो यहाँ पर पिछले साल मैंने म्युनिसिपल की तरफ से हिंदी स्कूल की स्थापना करवाई शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरा, पिछले 14 सालों से वाजपेयी जी के जन्मदिन पर जो 25 दिसंबर श्रद्धेय वाजपेयी जी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं, और मुझे लगता है कि वाजपेयी जी जैसा कोई राजनेता न हुआ है न होगा पूरे विश्व में। वाजपेयी जी की छवि है और वाजपेयी जी के विचारों को लेकर के हम चलते हैं और उनके विचार ही हमारे प्रेरणा स्रोत है। तो वाजपेयी जी के जन्मदिन 25 दिसंबर पर पिछले 14 सालों से लगातार मैं उनके जन्मदिन पर रक्तदान शिविर, ब्लड डोनेशन और मेडिकल कैंप करते आया हूँ। हर साल मैं जो बच्चे अच्छे नंबर से पास होते हैं उनके प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम करते आया हूँ। हर साल मैं उत्तर भारतीय समाज का हूँ, उत्तर भारतीय समाज से जुड़ा हूँ और बहुतायत संख्या में यहाँ उस समाज के लोग रहते भी हैं। और तो हमारी एक संस्था है उत्तर भारतीय जनसेवा संघ, उस संस्था के माध्यम से पिछले 14-15 सालों से एक होली का कार्यक्रम होता है जिसमें एकता की बात का एकता की बात आती है। कम से कम 5-6 हजार लोग एक साथ आते हैं, समाज में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, सामाजिक भावना बढ़ती है और अपने सुख दुख एक दूसरे से बात करते हैं। तो एक कार्यक्रम पिछले 14 सालों से मेरा हो रहा है। अच्छा, जिस तरह से आपने काम गिना है, मेरे ख्याल से अगर मैं रोकता नहीं तो और काम लंबे, काफी काम है आपके पास। लेकिन सवाल यहाँ पर एक बनता है कि उत्तर भारतीयों का भी आपने जिक्र किया, उत्तर भारतीय जनसेवा महासंघ करके आपके पास एक संगठन भी है जिसमें आप अध्यक्ष हैं। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में कभी कभार जो देखने में मिलता है, सुनने में मिलता है कि उत्तर भारतीयों के साथ सौतेला व्यवहार होता है, क्या वह आपको कभी करीब से देखने को मिला या वैसा अभी भी कायम है? महाराष्ट्र में सौतेला व्यवहार होता है ये तो कहने वाली बात है, ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा है जी। बंबई में आपको मैं बता दूं, मेरा परिवार 1940 से बंबई में निवास करता है। मेरे पिताजी शायद 1940 या उसके पहले से बंबई में आए हैं और मैं पूरी मेरी पढ़ाई लिखाई और मेरा हर कुछ बंबई में हुआ है। महाराष्ट्र के लोग या महाराष्ट्रियन के जैसे अच्छे लोग तो मैं कहता हूँ दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे और इनके जैसा समर्थक, दोस्त, मित्र कहीं नहीं मिलेंगे, जैसा सहयोगी नहीं मिलेंगे। राज ठाकरे कैसे? राज ठाकरे का तो मैं कहता हूँ कि इस विषय में उनका नाम लेना ही गलत है, वो तो कुछ मानसिक रोगी भी कह लिया जाए तो उनके लिए कम नहीं होगा, क्योंकि वो लोग इस विषय को लेकर के अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं जी। वो खाली लोगों को गुमराह करने के लिए और कुछ मराठी युवकों को दिग्भ्रमित करने के लिए इस विषय को लेकर के चलते हैं कि जिससे किसी को डरा धमका करके वसूली किया जाए या अपने लोगों को दिग्भ्रमित करके अपने साथ में लिया जाए। और मैं आपको बता दूं कि जिस समय राज ठाकरे का आंदोलन चला था कि हम यूपी बिहार के लोगों को रेलवे की परीक्षा नहीं देने देंगे, उस समय पूरे महाराष्ट्र में भाईंदर में ही हम लोगों ने खड़े होकर के बिहारी बच्चों को रेलवे का परीक्षा दिलाया था जी। तो कहने का मतलब कुछ एकादा किसी कारण से पूरे समाज या पूरे प्रदेश को दोषी या आरोपी नहीं ठहराया जा सकता। क्या कभी आपके द्वारा, चूंकि आपने बताया कि अगर ऐसा हुआ था जब कल्याण का ही बच्चे आए थे, उनको मारा गया, वापस भेजा गया था, काफी बच्चों को पेपर देने के मिला भी था आप लोगों की वजह से, लेकिन जब ऐसा माहौल पैदा होता है तो लगता नहीं देश की अस्मिता पर, देश की अखंडता पर, संविधान के नियमों पर प्रहार होता है? जरूर होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे असामाजिक तत्वों पर मैं कहूंगा कि असामाजिक तत्व है जो समाज के, राज ठाकरे को असामाजिक तत्व है ना, असामाजिक तत्व है। आज हिंदुस्तान एक कई धर्म, कई जाति, कई पंथों से मिलकर बना हुआ है। हमारी जो एकता और अखंडता है वो हिंदुस्तान की ताकत है, हमारे देश की एक ताकत है कि हम, हमारे देश में 28 से 30 भाषा बोलने वाले लोग अलग अलग प्रदेश के साथ, बंबई एक जो मिनी हिंदुस्तान कहा जाता है कि सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर, भाईचारा के साथ मिलकर अपना जीवन यापन करते हैं। और बंबई का जो विकास हुआ है, बंबई के विकास में
पूरे हिंदुस्तानियों का हाथ है। अगर कोई व्यक्ति उस प्रक्रिया को तोड़ने की कोशिश करता है कि जिसके कारण बंबई का विकास रुक जाए, बंबई का जो भाईचारा का माहौल बिगड़ जाए, अगर कोई ऐसा प्रयास करता है तो उसको असामाजिक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और इसे बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त किया ही नहीं जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि लोकतंत्र की कुछ खामियां हैं कि ऐसे भी लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है या उनको सही सजा नहीं हो पाती है। ये लोकतंत्र की कुछ खामियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन उस पर भी उपाय योजना खोजनी पड़ेगी कि ऐसा असामाजिक तत्व कोई असामाजिक कार्य करने का प्रयास करता है तो उसको रोकना तो पड़ेगा ही। बड़े बेबाकी से आपने बोला अगला सवाल मेरा आपसे, बड़ा अच्छा लगा। ये सवाल ये है कि आखिर अब तक के काम तो आपने कर लिए, आपने गिनाए भी काफी लंबा लंबे काम, लेकिन एक होगा ना अभी मन में, चार बार से हैं आप, चौथी बार में एक होगा मन में कि मुझे आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना है अपने क्षेत्र की जनता के लिए, लोगों के लिए, उत्तर भारतीयों के लिए, सभी लोगों के लिए, वो क्या है? अभी यहाँ पर आज मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीय बहुल इलाका है, कम से कम 40% यहाँ उत्तर भारतीय से मेरा संदर्भ है, यूपी बिहार एमपी के लोगों से, खाली यूपी से नहीं, हिंदी भाषी एरिया के लोग है। तो एक हिंदी भाषियों के लिए, उत्तर भारतीयों के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक एक भवन होना चाहिए, और उसके साथ ही अभी आज भी मीरा भाईंदर में विकास तो बहुत हुआ है, स्कूल कॉलेज भी बहुत से हैं, लेकिन मीरा भाईंदर के सभी बच्चों के लिए अच्छा अभी एजुकेशन, हायर एजुकेशन की व्यवस्था नहीं हो पाई है, वो करने की आवश्यकता है। वो कॉलेज ले लीजिए, ग्रेजुएट कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज या अलग विधायक में ग्रेजुएशन की आवश्यकता, उच्च एजुकेशन की आवश्यकता है, जो करना बाकी है वो करने की जरूरत है। देखते हैं कि आने वाले समय में 2022 में भी चुनाव है, अभी आपके पास समय लंबा है। अच्छा, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप इस पार्टी के सिपाही हैं, सभापति भी हैं, प्रशासन की तरफ से, प्रशासनिक तरीके देखा जाए, शासन की तरफ देखा जाए, क्या आपको लगता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार केंद्र में और राज्य में बन पाएगी अपने कार्यों के द्वारा? अगर कार्यों के द्वारा, चूंकि आप हाँ ही कहेंगे, लेकिन जरा बता दीजिए कि कौन कौन से ऐसे काम है जिसके कारण आपको लगता है कि हाँ फिर सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितने राज्यों में है उतने राज्यों में तो बनेगी ही, जिन राज्यों में नहीं है उन राज्यों में भी बनेगी, क्योंकि आपने खुद देखा होगा और हम लोग देख रहे हैं और आम जनता महसूस कर रही है, इसके पहले का जो 60-70 सालों का दूसरी पार्टियों का जो काम था, वो तो पार्टियां लोगों में अंग्रेजों की ही पॉलिसी अपना रही थी, डिवाइड एंड रूल वाली, कि दलित को दलित बना के रखा जाए, मुस्लिम को मुस्लिम बना के लोगों को बांटो और राज करो। और भारतीय जनता पार्टी की जो पारदर्शक सरकार आई है, मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, तो उस नारे को लेकर के हम सब लोग, अभी मैं ही मेरी या मेरी पार्टी की बात करूं, हम लोगों ने कभी किसी को नहीं सोचा है कि ये यूपी वाला है, महाराष्ट्रियन है, ये मुस्लिम है, ये कौन है। हम सबके लिए काम करते हैं, सब तक पहुंचते हैं और सब लोग हम तक पहुंचते हैं और सबको हर तरह से हम संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। कौन से काम किए जिसकी वजह से लगता है कि आ जाएगी राज्य सरकार ने? आप देख रहे हैं कि पहले बंबई या महाराष्ट्र के हर जिले में सड़क के जो काम किए हैं, मेट्रो का जो काम किए हैं, फ्लाईओवर के जो काम किए हैं और गरीबों के लिए जो योजनाएं दिए हैं, आज मोदी जी का जनधन योजना केंद्र की योजना है, जनधन योजना के साथ साथ जो फ्री गरीबों के लिए गैस का वितरण उज्ज्वला योजना दिया गया है, आज राशन कार्ड पर लोगों को, गरीबों को 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल मिलता है, गरीबों के लिए अधिक से अधिक काम किए गए हैं। इसलिए गरीब ही, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, हर कोई भाजपा के साथ है और सरकार पुनः निश्चित आएगी। क्या आपको लगता है जिस प्रकार का माहौल है इस पर डगमगा नहीं जाएगी भाजपा? कांग्रेस मजबूत हो रही है धरातल में, कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि भाजपा नोटबंदी से, GST से, इसके वजह से इकोनॉमिकल जो बेस था वो कमजोर हुआ है, जिसकी वजह से लोग कांग्रेस को फिर से याद करने लगे। कांग्रेस को कोई नहीं याद कर रहा है, कांग्रेस अपने मुंह मियां मट्टू बने या कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए अपना कुछ है ही नहीं, तो खाली दूसरों पे आरोप लगा करके खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रही है, जो कभी होने वाला है नहीं। और जैसे आपने नोटबंदी या GST की बात कही, तो प्रक्रिया में एक चेंज, बदलाव आया है। जब हम किसी चीज का
आज जब ठंडी से गर्मी या गर्मी से ठंडी मौसम भी बदलता है तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है। जब एक प्रक्रिया में बदलाव आया है तो थोड़ी सी असहजता या असुविधा तो होती ही है, लेकिन लोगों ने उसको भी खुले मन से खुले दिल से स्वीकार किया है। लोग सिस्टम में आ चुके हैं और सिस्टम सही ढंग से चल रहा है, किसी को कोई असुविधा नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान धरातल पर मजबूत हो नहीं पाया है, आपका क्या कहना है इस पर? स्वच्छ भारत अभियान धरातल पर पूरी तरह से मजबूत है। अब कोई कहे, अब जैसे कहते हैं कि सावन के अंधे को सब हरा ही दिखता है, या जो लोग पहले जिस माहौल में रह चुके हैं उनको लगता है कि वैसे ही है, मैं तो कहूंगा कि आज अगर एक छोटा बच्चा अपने पिताजी के साथ रास्ते पे चल रहा है और पिताजी ने भी अगर कुछ खा करके कागज रास्ते पे फेंका या पान खा करके थूका, तो छोटा बच्चा भी आज कहता है कि पापा ये मत करो, रोड गंदा हो जाएगा। तो कहने का मतलब स्वच्छ भारत योजना जो है, स्वच्छ भारत अभियान जो है मोदी जी ने जो चलाया है, आज इतने नीचे स्तर तक पहुंच गया है, निचले स्तर तक छोटे बच्चे तक के मन में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आ गई है। और हम कहीं भी देखते हैं तो बहुत फर्क पड़ा है, बहुत परिणाम आया है। लेकिन अब जैसे बदलाव, शुरू से सबको गंदगी की आदत थी, कूड़ा करकट कहीं भी फेंक देने की आदत थी, तो प्रक्रिया जाते जाते जाएगी। हम 70-80% तक पहुंच चुके हैं, 10-20% बाकी है, वो भी कुछ महीनों में प्रक्रिया हो जाएगी। पूरा देश स्वच्छता की तरफ चल रहा है, लोगों ने उसको स्वीकार भी कर लिया है। आपके वर्तमान विधायक, क्या लगता है उन्होंने ठीक ढंग से काम किए? क्षेत्रीय जो होने चाहिए थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आज जैसे मैं कहूँ कि आज मीरा भाईंदर में आप देखेंगे कि सीसी रोड का जाल उन्होंने फैला दिया है। मीरा भाईंदर में ऑडिटोरियम, गार्डन या सड़कें, बड़े बड़े नाले, और सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है कि मीरा भाईंदर में रोड की समस्या हो चुकी थी, बढ़ती आबादी को देखते हुए जो लिंक रोड उन्होंने पास कराया है मुख्यमंत्री जी से, जैसलपार चौपाटी से लेकर के घोड़बंदर का रोड, और वेस्ट से लेकर के दहिसर के जाने के लिए रोड, मेट्रो उन्होंने मीरा भाईंदर तक लाया है। इसके अलावा बहुत, मुझे लगता है कि इस 4 सालों में हमारे आमदार माननीय श्री नरेंद्र नेता जी ने 200 से 250 करोड़ रुपया या उससे भी ज्यादा पानी की परियोजना जो किसी ने सोचा ही नहीं था कि होगा, वो भी मंजूर हो गई है। मीरा भाईंदर परिवहन के बस में सब एसी बसेस, मुझे लगता है 250-300 करोड़ या उससे ज्यादा फंड उन्होंने स्टेट से लाया है, और सभी परियोजनाओं का भूमि पूजन हो चुका है, काम शुरू हो चुका है। इतना बड़ा फंड कभी मीरा भाईंदर में किसी ने कुछ फंड नहीं लाया था। तो आमदार जी ने बहुत अच्छा काम किया और आगे उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, जो कि कुछ दिनों में दिखेगी, तुरंत तो नहीं दिख सकती, लेकिन कुछ दिनों में दिखेगी। आखिरी प्रश्न, एक संदेश आपकी तरफ से जनता के लिए और उन श्रोताओं के लिए, उन दर्शकों के लिए जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश आपकी तरफ से कि वो जाने और माने कि हाँ, मदन जी ने जो संदेश दिया था उसे लागू करना चाहिए और मानना चाहिए, कोई संदेश आपकी तरफ से? संदेश यही कि हम सब मिलकर के राष्ट्र हित के लिए काम करें। राष्ट्र का हित किसमें है? राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, राष्ट्र का विकास होगा तो हमारा विकास होगा, राष्ट्र से हम हैं, राष्ट्र है तो हम हैं। हम सब लोग आपसी मतभेद को भुला करके, अगर कहीं कुछ कम ज्यादा भी होता है तो उसको बैठ करके आपस में सुलझा करके राष्ट्र हित का अगर हम काम करें कि राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, राष्ट्र का विकास होगा तो हमारा विकास होगा, इस भावना को लेकर के अगर हम काम करते रहे तो हमें या हमारी पार्टी को या लोगों को कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। धन्यवाद, बात करिए कुछ। लगभग सारी बातें हुई और सारी बातों में एक बात तो स्पष्ट हो गई कि मजे हुए खिलाड़ी लगते हैं मदन उदित नारायण सिंह। हम बातचीत करेंगे आगे भी ऐसे शख्सियतों से, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि आने वाले समय में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बारे में मदन सिंह ने बताया, वैसे तो लगता है कि पुनः भाजपा का रुख और भाजपा का जो मार्ग है वो साफ है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ। मैं सचिन दीक्षित आज विदा लेता हूँ, कल फिर किसी नए से। धन्यवाद।